सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, तो यार बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सामने आओ, चेहरा दिखाओ, नहीं तो यूट्यूब देखना छोड़ देंगे, इतने गंदे वीडियोस कौन बना रहा है, जल्दी सामने आओ। सो गाइस, मुझे आना पड़ा, नहीं तो ऐसा मेरा कोई मन नहीं था, बट आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं ये। चल झूठा। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बातें, कुछ मेरे बारे में बातें, और ये वीडियो एक Q&A वाला वीडियो होने वाला है। बट ये दूसरे Q&A वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि दूसरे Q&A वीडियो में हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जो कि आप लोग पूछते हो, और इस Q&A में हम वो क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो कि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। क्योंकि यार मुझसे बस एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई रियलमी का याला मोबाइल लूँ या रेडमी का याला मोबाइल लूँ, किस में पबजी अच्छा चलेगा, आपको पबजी खेलना ज़्यादा पसंद है या फ्री फायर, और बस इसके अलावा मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने Q&A में मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो चलते हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका नाम बड़े और छोटे हैं? अरे नहीं यार, मेरा नाम बड़े और छोटे कैसे हो सकता है। तो चलो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माई नेम इज शिवम पटले एंड आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। सही सुना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजीनियर होके भी यूट्यूब में चैनल खोल रहे हो, क्यों, जॉब नहीं मिल रही क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। नेक्स्ट। बड़े और छोटे के वीडियोस आप कितने लोग मिलकर बनाते हैं? तो यार बड़े और छोटे के पीछे सिर्फ मैं ही हूँ जो उनकी आवाज़ें निकालता हूँ, मैं ही हूँ जो वीडियो एडिटिंग करता है और इतने गंदे वीडियोस बनाता है, और पूरा क्रेडिट मुझे ही जाता है, मैं अकेला हूँ। नेक्स्ट। एक साल तो बिना शक्ल दिखाए वीडियो बना लिए, अब क्या जरूरत पड़ गई शक्ल दिखाने की? तो देखो यार, शक्ल दिखाने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें कि पहला रीज़न ये है कि YouTube की पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, और मेरा कंटेंट एनिमेशन और स्लाइड शो वाला है जो कि उतना सेफ नहीं होता है। अगर कोई भी यूट्यूबर अपने फेस के साथ YouTube में आता है तो उसे एक आइडेंटिटी मिलती है, उसके कंटेंट को एक ओरिजिनल कंटेंट माना जाता है। सो इसके लिए मुझे फेस दिखाना पड़ा, और एक YouTube चैनल के फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। और सेकेंड और मेन रीज़न ये है यार कि मैं वीडियोज़ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बना नहीं पाता था, क्योंकि एनिमेशन वाला कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, जो वीडियो जिस दिन आनी चाहिए वो उस दिन नहीं आ पाती, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली हम सभी का लॉस होता है। सो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाती है, और कई बार कॉन्टेंट को इंटरेस्टिंग रखना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो आई थिंक इस तरीके से वीडियो बनाकर हम थोड़े जल्दी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट। जब आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते तो आपको कैसा लगता है? Somewhere deep down in my heart. Next. अभी तक YouTube से कितनी कमाई हो गई है? क्या कोई वीडियो अभी तक मिलियन व्यूज पे गया है? अरे हाँ, ये आया क्वेश्चन अब काम का। तो गाइस, रिसेंटली हमारा एक वीडियो पबजी वर्सेस फ्री फायर 1 मिलियन व्यूज़ को हिट किया है, और ये चैनल का पहला वीडियो है जिसने इतने व्यूज़ लाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। जब आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं तब आप कैसे इन्जॉय करते हो? हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए। और जब आपको व्यूज नहीं आते तो आप डिमोटिवेट होते हो या नहीं? नहीं। सो गाइस, आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, अब इस Q&A को यहीं खत्म करते हैं। तो जिन भी लोगों के क्वेश्चंस में ले नहीं पाया हूँ, आई एम सॉरी यार, आप अगली बार ट्राई करो, हो सकता है आपके क्वेश्चन में पिक कर लूँ। इट्स लाइफ यार, दुखी मत होना, क्वेश्चन पूछते रहो, आज नहीं कल सक्सेस जरूर मिलेगी। तो खैर यार, ये सब तो थी मजाक की बातें, अब थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है,
उन्हें तहे दिल से शुक्रिया यार, तुम्हारे ही कारण मैं हूँ। सो ऐसा प्यार बनाए रखना, वीडियोस देखते रहना, आई होप आगे भी आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स में वीडियो बनाऊं, कोई चीज़ आपको समझना हो, एक्सप्लेन करना हो, जो भी हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अब बात यह है कि हम इस चैनल पर किस टाइप का कंटेंट अपलोड करेंगे। यार कंटेंट तो अब वही रहेगा, चीज़ें कुछ अलग तरीके से होंगी। अब जैसे कि हम टेक्निकल जिस टाइप के वीडियो बनाते थे वो आते रहेंगे, कंपैरिजंस के वीडियो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के वीडियो, कहा जाए तो इंफोटेनमेंट के वीडियो, जहां हम वीडियो को थोड़ा फन वे में, कैजुअल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको पसंद आए। सो गाइस, इन सब से हटके एक खास बात, अभी देश में कोरोना का जो माहौल चल रहा है, इससे हमें फाइट करना होगा। कोरोना से बचने के लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं हमें लेने चाहिए। ऐसी जगह पे मत जाइए जहां बहुत क्राउडेड एरिया हो, ठीक है? अगर आपकी फॉरेन ट्रिप्स है या इंडिया में कहीं ट्रिप्स करने का टाइम चल रहा है या आपकी वैकेशंस हैं, तो प्लीज़ उसे कैंसिल कर दीजिए। अभी आप जितना ज़्यादा घर में रह सकते हैं घर में रहिए, खुद को सेफ रखिए, खुद को भी सेफ रखिए और अपने घर वालों को भी सेफ रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर सकती, हम सबको इसमें भाग लेना होगा। हम सबको अपनी सावधानी खुद बरतनी होगी, तभी हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। और बाकी की चीज़ें तो आपको पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। न्यूज़ चैनल्स में आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप में आप बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपको लगती है आप ट्राई करिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप कोई देसी नुस्खा अपना रहे हो, क्योंकि वैसे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर इसका इलाज नहीं निकल पाए, क्या पता देसी नुस्खा से कुछ इलाज निकल जाए। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखिए, किसी भी तरीके से अपने आप को बीमार अभी मत होने दीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।